आज हम रस संप्रदाय पर चर्चा करते हैं। रस शब्द रस धातु में अच प्रत्यय जोड़ने से बना है, जिसका सामान्य अर्थ है आनंद देने वाला। इसकी व्युत्पत्ति आस्वाद्यते इति रसः के रूप में की गई है, जिसका अर्थ है जो आस्वादित किया जाए अथवा जिसका स्वाद लिया जाए। रस और आस्वाद शब्द प्राय समानावर्ती शब्द हैं, किंतु व्यवहार में इन दोनों के संयोग से रस स्वाद जैसे प्रयोग अलग अर्थ में लिया जाता है। रस अथवा आनंद शब्द भिन्न भिन्न वस्तुओं अथवा प्रसंगों से जुड़कर भिन्न भिन्न रूपों में अपना आस्वादन व्यक्त करते हैं। पदार्थों के साथ जुड़कर वे रसेंद्रिय के माध्यम से कसैला कड़वा, तिक्त कटु, मधुर आदि स्वादों को प्रकट करते हैं। आयुर्वेद में भी औषधियों के रूप में रसों की विवेचना की गई है। इंद्रियों के संसर्ग से मिलने वाले रस विषय सुखों के नाम से जाने जाते हैं, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में जाकर वे ब्रह्मानंद की कोटि तक पहुंचते हैं, जो अलौकिक और इंद्रिय सुखों से परे का आस्वादन कराते हैं। वेदों उपनिषदों ब्राह्मण ग्रंथों में भी रस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों में हुआ है। तैतरीय उपनिषद में तो ब्रह्मा को भी रस रूप में विवेचित करते हुए कहा गया है, रसो वे सह हे वायम लब्धवा स आनंदो भवति। अब हम देखते हैं कि रस संप्रदाय की परंपरा में आचार्य भरत मुनि का नाम मुख्य रूप से आता है, क्योंकि ये रस के प्रवर्तक, रस संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं। इनके नाट्य शास्त्र में रस की विवेचना दृश्य काव्य की विवेचना के रूप में हुई है। भरत मुनि के पश्चात इस संप्रदाय को लेकर जो काव्य शास्त्रीय परंपरा विकसित हुई, उसमें आचार्य भामा से लेकर पंडित जगन्नाथ तक आते हैं। आचार्य भामा, दंडी, वामन, रुद्रट आदि आचार्य हैं जिन्होंने रस पर अपने विचार, महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। हिंदी के आधुनिक आचार्यों ने भी रस को लेकर मनोवैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की है। रस निष्पत्ति का एक सूत्र है जो आचार्य भरत मुनि ने दिया, वो है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस रस निष्पत्ति, यानी विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस सूत्र में विभावादि के संयोग से रस की निष्पत्ति मानी गई है, और इस सूत्र के अनुसार ही रस की निष्पत्ति में संयोग में स्थायी भावों के साथ संयोग होता है, और विभावादि के संयोग सम्मिश्रण से रस के रूप में निष्पन्न होता है। आचार्य भरत मुनि का कहना है कि रस इति कह पदार्थ उच्चैते आस्वादेत्वात्, अर्थात रस कौन सा पदार्थ है, रस वह पदार्थ है जो आस्वादत से युक्त है, उसका आस्वादन किया जा सकता है। उन्होंने अपने कथन को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजनों से तैयार किए गए अन्न को खाने वाले व्यक्ति उसके रस का स्वाद लेकर आनंदित होते हैं, उसी प्रकार अनेक प्रकार के भावों के अभिनय से व्यंजित स्थायी भावादि का प्रत्यक्ष दर्शन कर सहृदय प्रेक्षक उनसे हर्षादि की अनुभूति करते हैं। अब हम रस के स्वरूप पर अगर बात करते हैं, तो भारतीय दर्शन में जब ब्रह्म को रस स्वरूप और आनंद में कहा गया, तो काव्य का रस भी उससे
उसी स्तर पर आकर ठहरता है। रस काव्यानंद के रूप में एक ऐसा स्वरूप है जिसमें आत्मा तृप्त और सत्वोद्रेकमयी अवस्था तक पहुंचती है और रस की अनुभूति करती है। रस के अगर हम स्वरूप पर बात करें तो पहला बिंदु जो इसके मुख्य विलक्षणता में निकल के आते हैं, इसके लक्षण में निकल के आते हैं, अगर हम इन बिंदुओं पर देखें तो पहला है कि रस सत्वोद्रेकमय है, यानी सत, रज और तम तीन प्रवृत्तियां जो सांख्य दर्शन में मानी गई है, सत्वगुण आत्मा को निर्मल करता है, राग द्वेष से दूर रखता है और तमोगुणी और रजोगुणी ये आत्मा को किस तरह से भौतिकता से दूर रखता है। दूसरे बिंदु के रूप में हम देखते हैं कि रस अखंड है, रस के टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये ऐसी आनंदमयी चेतना है जहाँ पर विभावादि से ये बंधी रहती है और इसका पृथक्करण, इस आत्म अनुभूति का पृथक्करण संभव नहीं है, ये अपने आप में पूर्ण है। तीसरे बिंदु के रूप में हम देखते हैं कि रस स्वप्रकाशानंद है, यानी रस आत्मा के प्रकाश से प्रकाशवान होता है और उससे जितने भी तमोगुणी और रजोगुणी जो छायाएं हैं वो अपने आप में धूमिल होती जाती है और आत्मा आनंद की स्थिति में स्वप्रकाशानंद हो जाती है। अगला बिंदु हम देखते हैं कि रस चिन्मय है, अर्थात चिन्मयता आत्मा का धर्म है, तो रस जो है वो आत्मस्वरूप है, उसमें शुद्ध आत्मा ही व्यक्त होती है, मन में जो विकार है वो स्वतः उसका परिमार्जन होता रहता है और एक ऐसी अवस्था में हम पहुंचते हैं जिसमें हमें लौकिक सुख, लौकिक आनंद के स्थान पर अलौकिक आनंद की अनुभव होता है। अगले बिंदु के रूप में हम देखते हैं कि वह वेद्यांतर स्पर्श शून्य है, रस काव्यानंद की वह भाव भूमि है जो संवेदनीय अनुभूति हमारे अंदर ऐसी संवेदना उत्पन्न करती है जिसमें हम उस अनुभूति को पा सकते हैं, हृदय में ऐसा सहृदयता उत्पन्न हो जाती है जिसमें स्व और पर के भाव से परे होकर हम तटस्थ भाव से वस्तुओं को, पदार्थों को, इस भौतिक जगत को, लौकिक जगत को देखने लगते हैं। अगले बिंदु के रूप में हम देखते हैं कि रस ब्रह्मानंद सहोदर है, रस अपने आप में ब्रह्मानंद में लीन ऐसा भाव जागृत करते हैं, ऐसा स्थायी अनुभव जागृत कराता है कि एक काव्यानंद के स्तर तक पहुंचकर सहृदयजन एक साधारणीकरण की अवस्था में पहुंच जाता है जिसमें काव्यानंद से ब्रह्मानंद की यात्रा पूर्ण होती है। अगले बिंदु के रूप में हम देखें कि रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, रस निष्पत्ति के क्षणों में व्यक्ति लौकिक सुखों की सीमाओं से ऊपर उठकर उस अलौकिक ब्रह्मानंद की सीमा तक पहुंचता है जहां लौकिक विषय भोग, इंद्रिय सुख ये सब अपने आप में परे होते चलते हैं और आत्मा अनिवर्चनीय आनंद को प्राप्त करती है जिसमें लोकोत्तर चमत्कार प्राण की भावना उत्पन्न हो जाती है। अगला बिंदु है कि रस स्वकारवद भिन्न है, अर्थात रस स्वकारवद अर्थात अपने ही स्वरूप के समान अभिन्न एक रूप है, उसमें और आत्मा के गुणों में कोई अंतर नहीं रहता। रस दशा में पहुंचकर हम वो आस्वादन करते हैं जिसमें विषय और विषयी में कोई अंतर नहीं रह जाता। इस प्रकार रस
ब्रह्मानंद भी है तो काव्यानंद भी है, हमें लौकिकता से अलौकिकता की यात्रा में ले जाने वाला है। अब हम बात करते हैं रस निष्पत्ति के अवयवों की। भरत मुनि ने रस निष्पत्ति के सूत्र में तीन प्रमुख अवयव निर्धारित किए हैं। पहला है विभाव, दूसरा अनुभाव और तीसरा व्यभिचारी भाव। पहला हम देखते हैं स्थाई भाव। मानव हृदय में जो स्थित मूल भाव है वो हम स्थाई भाव, उसे हम स्थाई भाव कहते हैं, जो हमारे भाव चित्त में स्थाई रूप से स्थित होते हैं। स्थाई भावों का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से होता है तो वे रस रूप में व्यक्त होते हैं। और स्थाई भावों की संख्या आचार्यों ने मुख्यतः 9 मानी है, जिसमें रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। मुख्य रूप से ये 9 जो संख्या है रस की, स्थाई भाव की, वो है। अब हम बात करेंगे विभाव की। भावों का विभावन करने वाले यानी आस्वाद योग्य बनाने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। विभाव वे पर्यायवाची समानार्थक हैं जैसे रति आदि स्थाई भावों को रस दशा तक पहुंचाने में विभावों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये आश्रय के हृदय में स्थित स्थाई भाव को रस कोटि की ओर अग्रसर करने के कारण ही विभाव इन्हें कहा जाता है। विभाव के 2 प्रकार हम मानते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव स्थाई भावों की जागृति में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उन्हें हम आलंबन कहते हैं। जैसे श्रृंगार रस में नायक और नायिका, रति आदि स्थाई भावों के आलंबन होते हैं। यदि नायक के हृदय में रति नामक स्थाई भाव हो तो वह उसका आश्रय और नायिका उसका आलंबन है, यानी जिसके द्वारा रस या स्थाई भाव उत्पन्न हो रहा है वो आलंबन कहलाएगा। आलंबन विभाव के भी 2 प्रकार हैं, विषयालंबन और आश्रयालंबन। प्रथम में विषय के आलंबन से रस की प्रतीति होती है तो दूसरे से आश्रय के द्वारा रस की उत्पत्ति मानी जाती है। अब दूसरा है उद्दीपन विभाव। आलंबन की चेष्टाएं, यानी जैसे नायक है आश्रय और नायिका है आलंबन, तो नायिका की चेष्टाएं यानी आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन विभाव कहलाती हैं, जिनके अंतर्गत देश काल और वातावरण को भी सम्मिलित किया जाता है। यानी जो आलंबन की चेष्टाएं हैं वो आश्रय के अंदर वो स्थाई भाव पैदा करेंगी, उसको और बढ़ाएंगी, उद्दीप्त होगा वो। अब तीसरे पे बात करते हैं अनुभाव। आश्रय के मनोगत भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। भावों के पश्चात उत्पन्न होने के कारण इन्हें अनुभाव कहते हैं। इनके द्वारा हम स्थाई भाव का अनुभव करते हैं, जैसे श्रृंगार रस के आलंबन अर्थात नायिका के कटाक्ष, वेशभूषा आदि उसके उद्दीपन विभाव हैं, तो उसके रोमांच, अश्रु आदि उसके अनुभाव माने जाते हैं, क्योंकि उनसे रति भाव का प्रकटीकरण होता है। अनुभावों के भी 4 प्रकार के भेद माने गए हैं, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। अगला हम देखते हैं संचारी भाव।
भरत मुनि ने अपने रस निष्पत्ति सूत्र में व्यभिचारी के नाम से जिन भावों का संकेत दिया था वे कालांतर में संचारी के नाम से प्रचलित हुए। व्यभिचारी का तात्पर्य है संचरणशील, संचारी भाव अर्थात संचरणशील, यानी जो आए और आकर चले जाएं। व्यभिचारी अथवा संचारी भाव संचरणशील अथवा अस्थिर मनोवृत्तियों के द्योतक हैं। वे स्थायी भावों की तुलना में कम समय तक टिकते हैं। उदाहरण के लिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, जिसकी स्थिति रस निष्पत्ति पर्यंत स्थिर और स्थायी बनी रहती है, किंतु उसके बीच बीच में ऐसे अनेक छोटे छोटे और क्षणिक भाव आश्रय उत्पन्न होते हैं और मिट जाते हैं, और ये उठ पानी के बुलबुले की भांति उठते और मिटते चले जाते हैं। अपनी चंचलता और संचरणशीलता के कारण इन्हें संचारी भाव कहा जाता है, जैसे हर्ष, विषाद, लज्जा, चिंता, उत्सुकता आदि भाव इसमें आते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संचारी भाव को स्थायी भाव के सहकारी कारण भी इन्हें हम कहते हैं, जो मन की स्थिति विशेष से उत्पन्न होते हैं और अपना प्रयोजन सिद्ध कर सहयोग कर ये विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार रस के अवयव में हमने ये स्पष्ट किया।